हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के अध्याय 9 के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ न चापि अन्ये, अन्य कुछ दूसरे लोग हैं। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बात बताई थी वो बताई थी महात्माओं की, जो महात्मा लोग हैं वो निरंतर कीर्तन करते हैं श्री कृष्ण का, लेकिन कुछ दूसरे लोग भी हैं जो क्या करते हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। और एकत्वेन पृथक्त्वेन, तो वे जो है एकांत में पूजा करते हैं और पृथक्त्वेन पृथक भाव से ही पूजा करते हैं। बहुधा विश्वतो मुखम, और विश्वतो मुखम भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनमें भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। पहला परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा तीसरा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। ये भी एक प्रकार की इस पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग महात्मा हैं वे सदा श्री कृष्ण का ही कीर्तन करते हैं तथा श्री कृष्ण को ही भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, यदि महात्मा लोग श्री कृष्ण का सदा कीर्तन करते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो महात्मा पद पर ना हों परंतु फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण की ही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की चार अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते, अर्थात अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के भी द्वारा मेरी पूजा करके उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य शब्द, अन्य शब्द का बहुवचन है। अन्य शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो पहले बताए हुए व्यक्ति से दूसरा है। इस प्रकार अन्य शब्द का अर्थ हुआ ऐसे लोग जो पहले बताए हुए लोगों से अलग हैं। अब यदि हम विचार करें कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने किस प्रकार के लोगों की चर्चा की थी तो पता चलता है कि श्री कृष्ण ने महात्मा लोगों की चर्चा की थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अन्य शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि इस समय वे कुछ ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो महात्मा तो नहीं हैं
परंतु फिर भी महात्मा बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यजन्तो माम उपासते, इसका अर्थ है कि जिस समय ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं उस समय उनके द्वारा श्री कृष्ण की पूजा होती है तथा इस पूजा के प्रभाव से वे श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप तथा आसना। उप शब्द का अर्थ है निकट तथा आसना शब्द का अर्थ है बैठना। इस प्रकार उपासना शब्द का अर्थ हुआ निकट बैठना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि ये लोग महात्मा नहीं हैं तथा इनके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि ये श्री कृष्ण के निकट आ सकें, परंतु फिर भी जिस समय ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं उस समय ज्ञान यज्ञ के बल से ये श्री कृष्ण की पूजा भी कर लेते हैं तथा ये लोग श्री कृष्ण के निकट भी आ जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था नित्य युक्ता उपासते, अर्थात महात्मा लोग नित्य युक्त हैं अतः वे श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, अर्थात वे लोग महात्मा होने के कारण सदा योग्य हैं कि वे श्री कृष्ण के सदा निकट रहते हैं। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये लोग महात्मा ना होने के कारण नित्य युक्त नहीं हैं, अर्थात हर समय योग्य नहीं है कि ये श्री कृष्ण के निकट आ सकें, परंतु जिस समय ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं उस समय इनके अंदर ऐसी योग्यता आती है कि ये श्री कृष्ण का पूजन भी करते हैं तथा श्री कृष्ण के निकट आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं वे लोग श्री कृष्ण का गुणगान तो नहीं कर सकते हैं, परंतु वे लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म के दूसरे अध्याय में चार कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है, वो श्रीमद् भागवत का प्रवचन है जिसका गान सुखदेव आदि महात्माओं ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जिस प्रकार भेड़िए भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। पद्म पुराण के इस कथन से पता चलता है कि ज्ञान यज्ञ का अर्थ है महात्माओं के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में प्रवचन सुनना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं उनके पास अपनी कोई योग्यता नहीं है कि वे श्री कृष्ण की पूजा कर सकें अथवा श्री कृष्ण के निकट आ सकें, परंतु वे ज्ञान यज्ञ की विधि से श्री कृष्ण का पूजन भी कर पाते हैं तथा श्री कृष्ण के निकट भी आ पाते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि ज्ञान यज्ञ का अर्थ है श्रीमद् भागवत को सुनना। ये बात समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने यह नियम बनाया है कि इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में प्रतिदिन प्रातः के समय श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए तथा इस प्रकार प्रतिदिन ज्ञान यज्ञ की विधि के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तथा श्री कृष्ण के निकट आया जाए। गीता 18:70 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे घोषित करते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के इस संवाद का अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करेगा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा होती है। ये बात भी समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने अपने सभी मंदिरों में ये नियम बनाया है कि प्रातः के समय भागवत का श्रवण किया जाए तथा रात्रि के समय गीता का श्रवण किया जाए। इस प्रकार जो लोग महात्मा नहीं हैं वे भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण के निकट पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक में अगला शब्द है एकत्वेन, अर्थात एकत्व की भावना के द्वारा। यदि इस शब्द को पिछली शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो पूरी बात इस प्रकार बनती है वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हुए एकत्व की भावना से मेरे निकट आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा
श्री कृष्ण की पूजा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:142 में कहा गया है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं। भागवत 1:3:27 में श्री सूत गोस्वामी सौनक आदि मुनियों से कहते हैं कि सारे अवतार या तो श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं या उनकी कलाएँ हैं, परंतु श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, परंतु आदि पुरुष श्री कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण अन्य अवतारों के उद्गम हैं। गीता में भी श्री कृष्ण स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। यदि तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से श्री कृष्ण के महात्म को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम पूर्ण पुरुष हैं। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक में अगला शब्द है पृथक्त्वेन, अर्थात पृथक्त्व की भावना के द्वारा। यदि इस शब्द को पिछली शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो पूरी बात इस प्रकार बनती है, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों में पृथक पृथक परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। वे समझते हैं यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं परंतु वे सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में अपना इस प्रकार विस्तार करते हैं कि मानव परमात्मा श्री कृष्ण से पृथक हों। गीता 13:17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे यद्यपि एक हैं परंतु फिर भी वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदयों में पृथक पृथक जैसे स्थित हैं। गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हैं और श्री कृष्ण से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक है ज्ञान और स्मृति, इसके लिए आवश्यक ज्ञान और स्मृतियों से प्रदान की जाती है लेकिन वो विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ना केवल सर्वव्यापी हैं अभी तो वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से श्री कृष्ण का महात्म सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। अब चौथी शिक्षा, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं बहुधा विश्वतो मुखम, अर्थात वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा मेरे विश्वरूप के निकट आते हैं। यदि इन शब्दों को पिछली शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो पूरी बात इस प्रकार बनती है, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण का ही शरीर है। वे समझते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण इस विश्व से अलग हैं परंतु फिर भी विश्व श्री कृष्ण से अलग नहीं है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के शरीर का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्व रूप के निकट आते हैं। भागवत 8:5:32 में कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी श्री कृष्ण का चरण है जिसमें सभी प्रकार के जीव भोजन पानी तथा आश्रय प्राप्त करते हैं। पृथ्वी
श्री कृष्ण का चरण होने के कारण सभी जीवों को आश्रय प्रदान करती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्वरूप के निकट आते हैं। भागवत 8:5-34 में कहा गया है कि चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है, जो देवताओं को भोजन, शक्ति तथा जीवन प्रदान करता है, संपूर्ण वनस्पतियों को पोषण प्रदान करता है। चंद्रमा श्री कृष्ण का मन होने के कारण सभी जीवों को शीतलता प्रदान करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्वरूप के निकट आते हैं। भागवत 8:5-35 में कहा गया है कि अग्नि श्री कृष्ण का मुख है, जो देवताओं के नाम पर आहुतियाँ ग्रहण करता है। ये अग्नि शरीर में भोजन को पचाता है तथा शरीर में विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्वरूप के निकट आते हैं। भागवत 8:5-36 में कहा गया है कि सूर्य श्री कृष्ण का नेत्र है, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। जब तक श्री कृष्ण सूर्य के रूप में अपने नेत्र से देखते नहीं, तब तक कोई भी प्राणी नहीं देख सकता। जो योगी शुक्ल गति से श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं, वे सूर्य के ही मार्ग से जाते हैं। प्रलय काल में सूर्य के ही द्वारा संपूर्ण जगत सोख लिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्वरूप के निकट आते हैं। भागवत 8:5-37 में कहा गया है कि वायु श्री कृष्ण का श्वास है, जो संपूर्ण प्राणियों को बल तथा जीवन प्रदान करता है। सभी जीव वायु को उतना ही महत्व देते हैं जितना एक सेवक अपने राजा को महत्व देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर अनेक प्रकार की भावनाओं से श्री कृष्ण के विश्वरूप के निकट आते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तिरे या जन आर प्रणाम विज्ञप्ति, नित्य सेवा उपासना हामा के ही प्राप्ति, यारा शुद्ध भक्त न है किंतु मोरे भजे, ज्ञान यज्ञ करी त्वारा तीन भावे भजे, अहंग्रह उपासना एकत्व से नाम, पृथकत्व उपासना पृथक उपासना, विश्वरूप उपासना अनिर्दिष्ट रूप निराकार भाव किंबा भावे बहुरूप। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यारा शुद्ध भक्त नहीं किंतु मोरे भजे, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग महात्मा नहीं हैं तथा जो लोग अपने प्रचार के द्वारा अन्यों को भक्त नहीं बना पाते हैं, वे भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से सुनकर मेरी उपासना करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्य जंतु माम उपासते। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्य लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, है ना। तो ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है, श्रीमद् भागवत से जब हम श्री कृष्ण के महात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये महात्मा नहीं है, तो महात्मा तो अपने ही शब्दों में भगवान का गुणगान करने के लिए तैयार रहते हैं और हर समय तैयार रहते हैं। तो जो महात्मा है उनकी बात ऐसी है, परंतु जो महात्मा नहीं है तो वे भी श्रीमद् भागवत का लाभ उठा करके उसी प्रकार वे भी श्री भगवान का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञ न चाप्य यजन तो माम उपासते, कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा। तो ज्ञान यज्ञ का मतलब है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का अगर कोई व्यक्ति पाठ करता है और श्रीमद् भागवत में जैसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन है,
अगर कोई व्यक्ति सुनता है या सुनाता है तो क्या होता है कि उसको सब प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ की जो विधि है ये भी उस समय बहुत काम आती है जिस समय हम इस कार्य के योग्य नहीं होते हैं कि श्री कृष्ण को हम जो है अपने निकट बुलाएं, तो श्री कृष्ण को हम अपने निकट नहीं बुला सकते हैं। तो ज्ञान यज्ञ की विधि के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।